फाटिस आनंद पीरामल को जयमाल पहनाने के लिए ईशा को भाइयों ने कंधे पर उठाया। मुकेश अंबानी हुए भावुक। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 12 दिसंबर को मुकेश अंबानी की बेटी ईशा ने आनंद संग सात फेरे लिए। अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया से ये शादी हुई। शादी में देश विदेश के दिग्गज सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। साथ ही शादी में बॉलीवुड स्टार्स का भी जमावड़ा दिखा। फिल्म इंडस्ट्री से बच्चन परिवार, आलिया भट्ट, गौरी खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रेखा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े स्टार्स पहुंचे। शादी का जश्न शाम 5 बजे से शुरू हो गया था। आनंद पीरामल बारात लेकर एंटीलिया पहुंचे तो मुकेश अंबानी ने गले लगकर उनका स्वागत किया। वहीं दुल्हन ईशा के भाई घोड़े पर सवार होकर सारे इंतजाम पर निगरानी रख रहे थे। मेहमान पहुंच रहे थे लेकिन हर किसी को दुल्हन को देखने का इंतजार था। करीब 9 बजे ईशा अंबानी अपने भाइयों के साथ मंडप तक आईं। ईशा के भाइयों ने लाल चूनर पकड़ रखी थी जिसके नीचे ईशा चल रही थी। ये नजारा देख ऐसा लगा जैसे कोई शहजादी आ रही हो। जयमाल के समय आम शादियों की तरह ही आनंद को उनके दोस्तों ने अपने कंधे पर उठा लिया। ईशा जयमाल नहीं डाल पाई तो उनके भाई आगे आए। अनंत और आकाश अंबानी ने ईशा को कंधों पर उठा लिया। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को जयमाल पहनाया। सोशल मीडिया पर ईशा की शादी की तमाम तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। मंडप में बैठी ईशा को देखकर नीता अंबानी और मुकेश अंबानी भावुक हो गए। इन सारी रस्मों के बीच अंबानी परिवार की होने वाली बहू श्लोका मेहता ईशा के साथ ही रही। ईशा अंबानी की शादी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पत्नी अंजलि के साथ पहुंचे। इस दौरान दोनों बेहद खूबसूरत दिख रहे। सचिन ने रेड कलर का कुर्ता पजामा पहना, वहीं अंजलि गोल्डन कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी।